माणोताल थाना क्षेत्र चुंगी नाका में रविवार को एक मसाला व्यापारी को गोली मारने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दो नकाबपोश लड़के फायरिंग करने के बाद भागते नजर आ रहे हैं। पुलिस की माने तो 2 फरवरी की रात घायल छोटू पटेल का एक आरोपी से तिलवारा शास्त्री नगर में विवाद हुआ था और इसी विवाद को लेकर फायरिंग की इस वारदात को अंजाम दिया गया। माणोताल थाना क्षेत्र चुंगी नाका के पास रविवार को शास्त्री नगर के रहने वाले मसाला व्यापारी छोटू पटेल पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों धर्मेंद्र वैदेही और उसके साथी अनुज खटीक को माणोताल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2 देसी माउजर और जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। इधर इस वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मुंह पर कपड़ा बांधे 2 लड़के फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर भागते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 2 फरवरी की रात छोटू पटेल का शास्त्री नगर में धर्मेंद्र से विवाद और मारपीट हुई थी। इस घटना की रिपोर्ट तिलवारा थाने में दर्ज कराई गई थी। इस विवाद से धर्मेंद्र आहत था, उसे लगा कि छोटू पटेल ने उसकी बेइज्जती कर दी। अपनी बेइज्जती का बदला लेने धर्मेंद्र ने छोटू पटेल को जान से खत्म करने की योजना बनाई और अपने साथी अनुज को तैयार किया। दोनों ने 2 दिनों तक छोटू की रैकी की और रविवार को मौका मिलते ही उस पर फायरिंग कर भाग खड़े हुए। पुलिस ने वारदात के बाद धर्मेंद्र को पाटन बाईपास के समीप गिरफ्तार किया और फिर उसकी निशानदेही पर अनुज की गिरफ्तारी भी की। तो इसमें खास बात यह है कि उनको शीघ्र पकड़ लिया गया है। इन आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड भी हैं थाना गढ़ा में और तिलवारा में भी, और अब इस प्रकार की घटनाएं ना हो तो जबलपुर पुलिस के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि जिनके भी बॉडी ऑफेंस 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो या तो उनको बॉन्ड ओवर करवाया जाएगा। बॉन्ड ओवर का मतलब ये होगा कि उनसे एक बॉन्ड भरवाया जाएगा कि वो और भी घटनाएं ना करें, और अगर वो सक्रिय हैं तो उनके खिलाफ NSA और जिला बदर की कार्रवाई भी करने का कल से शुरू किया गया। ये नए नए उभरते हुए गैंग हैं और नए नए उभरते हुए आरोपी हैं, तो इन पर अंकुश लगाने के लिए और भी जो पुलिस की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, जैसे कि गैंग हिस्ट्री शीट बनी हुई है, इनके मेंबर अलग अलग थाना क्षेत्रों में हैं, इन पर भी कार्रवाई करने के लिए आज पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा निर्देशित किया गया है। पुलिस अभी भी इस मामले की पड़ताल कर रही है। इस मामले में एक आरोपी रोहित यादव फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं।